नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। गरीबों की सब्जी को कुचलने वाले दरोगा पर योगी का खतरनाक एक्शन हुआ कि पुलिस अब किसानों से माफी मांगती नजर आ रही है। किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी दूर से आती है, सब्जियों पर चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। गरीब किसान हताश परेशान होकर देखता रहता है, लेकिन इसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तो खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है और मुख्यमंत्री एक्शन लेने में देरी नहीं लेते। उसके बाद तुरंत दरोगा को सस्पेंड किया जाता है और बात यहां तक है कि यहां से भी दरोगा को हटा दिया जाएगा। मामला इतना बड़ा हो गया कि डिप्टी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पुलिस कप्तान इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं अभी मौके पर जांच कराई गई और क्षेत्र अधिकारी द्वारा जांच की गई, जिसमें बात निकल के आई है कि दरोगा जी द्वारा जो सुमित आनंद है उनके द्वारा लापरवाही की गई है। लापरवाही करने के दौरान चूंकि ये मंडी जो है बुधवार और शुक्रवार को लगना तय था, तो बृहस्पतिवार को जब ये मंडी लगी तो इनके द्वारा वहाँ पे घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद जब इनको लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और लोगों द्वारा हूटिंग की जा रही है, तो इन्होंने एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रौंदा और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से और विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है। तथा यह संस्तुति भी की जा रही है कि इनको जनपदीय शाखा में न रखा जाए और अजनपदीय शाखा में इनको भेजा जाए और इनके वेतन से रिकवरी के लिए भी लिखा जा रहा है। अभी तकरीबन 11 किसानों को मुआवजा दिया गया है और शेष लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके नुकसान हुए हैं और उनके मुआवजे उनको प्रदान किए जाए। उसके बाद किसानों से माफी मांगने खुद कप्तान साहब को जाना पड़ा क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका था और दरोगा की हेकड़ी निकल चुकी थी। मामला इतना बड़ा था कि डिप्टी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और तुरंत ही दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। जिन दुकानदारों की सब्जियों को पुलिस की सरकारी जीप ने कुचला था उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। अब तक 11 दुकानदारों को उनके नुकसान का भुगतान किया गया है, बाकी दुकानदारों को भी मुआवजा दिया जाएगा। प्रयागराज के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मुताबिक नुकसान के मुआवजे की भरपाई बाद में दरोगा की सैलरी से कराई जाएगी। उनके मुताबिक दरोगा की इस हरकत को बेहद शर्मनाक माना गया है। लेकिन दूसरी तरफ दरोगा साहब अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो जीप लेकर वहां पर आए थे उसके बाद हूटिंग शुरू हो गई, किसानों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद आए, सब अपनी दुकान को छोड़कर साइड में हो गए, बगल में हो गए और वहां पर कोई हूटिंग नजर आ ही नहीं रही थी। जीप आती है और सब कुछ कुचल कर चली जाती। दरोगा जी कहते हैं कि जब उन्होंने डांट लगाई तो वहां लोग मौजूद हो गए और रूटिंग करने लगे और पुलिस जीप को घेरने की कोशिश की। इससे घबराकर वो तेज रफ्तार में जीप लेकर वापस होने लगे जिसमें सब्जियां कुचली गई। लेकिन इतना तो है कि उत्तर प्रदेश में अब नजीर बन गई है। आम आदमी हो या फिर खास या कोई पुलिस वाला, अगर गरीबों के साथ मजाक किया जाएगा, उनकी सब्जियों को कुचला जाएगा तो उसी की सैलरी से भरपाई होगी और अब ये कम से कम हो भी रहा है। लेकिन मामला सिर्फ सस्पेंड तक ना रहे बल्कि बर्खास्त हो जाने चाहिए ऐसे पुलिस वाले। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।